नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस दमदार वीडियो में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रश्न आपके लिए काफ़ी भी है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है ये पहले समझेंगे हम। बोल रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने राज्य ग्रामीण जीविका मिशन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया। बहुत इजी प्रश्न है, आपको सिंपल सा बता देना है इन पांच ऑप्शनों में से कि किस बैंक के किस राज्य के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक ने भैया संधि किया है, किसके लिए, तो जीविका मिशन के लिए। उत्तर आपको कमेंट में देना है, नहीं दे सकते मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है भाई साहब, तो होगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन ए तमिलनाडु सही उत्तर होगा। जो लोग तमिलनाडु मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसके हम शॉर्ट में बोलते हैं IOB, इन्होंने क्या किया है, राज्य में स्वयं सहायक समूहों को SHO को, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, विकास में बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के साथ ग्रामीण जीविका मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TNSRLM के साथ हम पुकारते हैं, इनके साथ एक MOU यानी कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया है, जिसके माध्यम से वो क्रेडिट देंगे, वो उन्हें रन देंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा वहाँ के लोकल लोगों को। लेकिन ये प्रश्न तो इजी था, लेकिन क्या आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ये भी बैंक से जुड़ा हुआ है, आपको उत्तर देना है आपके डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न तो आपने दे दिया, काफ़ी इजी था, दूसरा प्रश्न का उत्तर दे कर दिखाइए। और ये आपको मैं बता दूँ, ये प्रश्न भी आई है। अगर आप तैयारी करते हैं बिहार पुलिस का, किसका तैयारी कर रहे हैं, BP का, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या बोलता है, एशिया विकास बैंक ने किस बैंक में परिवहन कनेक्टिविटी, यहाँ बैंक जो लिखा हुआ है इस बैंक को हम काट कर यहाँ पर अगर हम राज्य लिख दें तो क्या चलेगा, यहाँ बैंक की जगह हम राज्य लिख दें तो क्या चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात बोली जा रही है, एशिया विकास बैंक ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार के लिए $295 मिलियन की कर्ज की मंजूरी दे दी है। पहला ऑप्शन आपके सामने गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार और पंजाब, इनमें से आपको एक उत्तर देने हैं, इनमें से आपको एक उत्तर देना है। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता, सीधा उत्तर की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। और बिहार सरकार को एशिया विकास बैंक के द्वारा राजमार्ग में गतिविधि बढ़ाने के लिए, अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए $295 मिलियन की कर्ज की मंजूरी मिली है, जो कि काफ़ी बड़ी होगी, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधा बदल जो होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और शिक्षा सुविधा भी काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि बोला जाता है ना, अगर किसी जगह को आपको डेवलप करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है वहाँ एक अच्छी सड़क बना दीजिए और उस सड़क को शहर से जोड़ दीजिए, अपने आप विकास के रास्ते खुल जाते हैं। और यही रास्ता खोलने के लिए बिहार सरकार ने एशिया विकास बैंक के साथ यहाँ पर $295 मिलियन की कर्ज ली गई है। उसके अलावा आपको बता दें, 31 दिसंबर 2022 तक जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का शेयर जो था 15.751% जो था वो किसके में था, तो एशिया विकास बैंक में था। कब तक था, तो 31 दिसंबर 2022 तक था। आपको बता दें कि भारत सरकार और बिहार सरकार अक्सर एशिया विकास बैंक से लोन लेती रहती है और इसका सबसे बड़ा लोन लेने कर पैसा लेकर भागने का योगदान किसका है, तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानवा का। पाकिस्तान जो है भैया पैसा लेकर भागते रहता है, हंसी मत, कुछ भी एक पड़ोसी है अपना। चलिए अगले प्रश्न आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, जो कि प्रश्न नंबर होगा तीसरा। प्रश्न क्या बोल रहा है पहले हम समझेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि भारत ने किस देश के साथ, क्या बोल रहा है, भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में परिपरित कानूनी सहायता संधि पर हस्तक्षेप किया। अब ये क्या होता है जी, बोल रहा है कि कोई भी
अपराधी हो जो भारत में करता हो या उस देश में अपराध करता हो और भाग भारत में या उस देश में जाकर छुप जाता है, तो दोनों देश आपस में मिलकर बातचीत करके पकड़ लेंगे। आसान भाषा में समझ लीजिए, उत्तर पहला होगा नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। ये पांच ऑप्शन आपके डिस्प्ले पे है, इनमें से एक आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नहीं आ रहा है, हम हैं ना आपके लिए। आंसर होगा सी बेल्जियम, आंसर सी बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ पड़ता है, तो बेल्जियम पड़ता है यूरोप में। बेल्जियम कहाँ पड़ता है, तो बेल्जियम पड़ता है यूरोप में। और इन्हीं के साथ भारत ने क्या किया है, तो संधि कर लिया कि कानून बना उना लिए हैं कि अगर हमारा देश का कोई अपराधी भाग कर तुम्हारे यहाँ आया ना, तो तुम उसके खिलाफ तलाशी वारंट ये सब चीज़ का क्या करना, काम कर देना, बाधित मत करना कि भैया नहीं नहीं पकड़ सकते हो, ह्यूमन राइट इस फलना चिन्ना मत लाना, पकड़ के देना हम भर पेट कूटेंगे। तो कौन किया ही, तो भारत किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आएंगे मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको बता देना है स्टार्टअप इकोसिस्टम, समझते हैं ना, जो कंपनी नई नई शुरुआत होती है तो उसको बनाने के लिए, ऐसा माहौल बनाने के लिए। तो बताइए क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए भुगतान सेवा कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया, कौन सी कंपनी किया, बहुत सारे कंपनियां भारत में है। तो आपको पांच ऑप्शन दे दिए हैं, एगो चुन के बता दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और एक अरुणाचल प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर अरुणाचल प्रदेश को विकसित होना है तो ऐसे कंपनियों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन होगा बी पेटीएम, पेटीएम करो, आपने सुना ही होगा। तो पेटीएम के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने यहाँ बढ़ाने के लिए एक समझौता कर लिया है। क्या किया है समझौता से क्या होगा, तो पेटीएम जो होगी राज्य के अंदर उद्यम बढ़ाएगी, युवाओं को व्यवस्था देगी कि व्यापार करें और उसे लेन देन का जो पैसा होगा ऑनलाइन तरीके से। प्रश्न बहुत इजी है, एक नया किताब लिखा गया है, आपको उसके लेखक का नाम बता देना है, किताब किसके बारे में लिखा गया है। किताब लिखा गया है इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिया में इमरजेंसी लगा, 1947 से 1977 के बीच में लिखा गया है। लेखक का नाम बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है और इसे आप VVI तौर पर इस प्रश्न को रख सकते हैं। अगर आप यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है जिन लोगों ने दिया है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक कुमार भट्टाचार्य ने इस किताब को लिखा है और इस किताब में बात किसके बारे में की गई है, तो इंडिया की आज़ादी से लेकर इमरजेंसी की बात की गई है, जो कि किताब के नाम से ही पता चलता है। और एक पुस्तक के बाद हम आगे चलेंगे, जो कि प्रश्न नंबर होगा छः, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक इससे पूछा जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, किस शहर में बलिदान स्तंभ की रखी आधारशिला रखी, आपको बता देना है। आपके डिस्प्ले पर यहाँ पर पांच आंसर दिए गए हैं, पांच में से एक सही है। पहला है अमृतसर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, श्रीनगर और जयपुर। आपको बताना है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। आधारशिला मतलब क्या होता है, आधारशिला मतलब क्या होता है, कोई कमेंट में जो बताना, मैं उसको हार्ट जरूर दे दूंगा। मैं देखना चाहता हूं आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। चलिए इसका उत्तर मैं आपको लेकर चलता हूं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीनगर। श्रीनगर कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पड़ता है और यहीं पर क्या रखा गया है, तो बलिदान स्तंभ का रखा गया है। और बलिदान स्तंभ का काम क्या होगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बलिदान जो शहीद हुए होंगे हमारे देश के सेना के लोग, उनके नाम पर उनको याद में बनाया जा रहा है। और ये कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर के स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा होगा और इसमें शहीदों के श्रद्धांजलि के रूप में कार्य किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी जो भी घटना हो रही या होने वाली है उससे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न 7वां नंबर है और 7वां आपके डिस्प्ले पर है। किस कंपनी को टीम मार्क मेन से 2023-2024 का सबसे पसंदीदा कार्य स्तर पुरस्कार दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है किस कंपनी को 2023-2024 का सबसे पसंदीदा कार स्तर पुरस्कार दिया गया। आपके डिस्प्ले पर पांच ऑप्शन फिर से है, पांचों कंपनियों के नाम है आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। आपको जो भी सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उत्तर नंबर ए, उत्तर नंबर ए जो होगा सही होगा। और उत्तर नंबर ए में कौन सी कंपनी है? NTPC। उत्तर नंबर ए में कौन सी कंपनी है? NTPC, जो कि बिजली उत्पादन में काम करती है और इसे 2023 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल यानी काम करने की जगह का बात कही जा रही, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। ये सम्मान इस कंपनी को दी गई है। आपको बता दें ये 1975 से भारत में बिजली को बढ़ाने के लिए गतिविधि को ध्यान रखते हुए ये काम कर रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, और यहाँ पूछा जा रहा है मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। मेधा रेल कोच फैक्ट्री के उद्घाटन कहाँ किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में मेधा रेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और तेलंगाना की जब बात हो रही है तो उत्तर होगा हैदराबाद शहर में स्थित है और यहाँ नाम से पता चला है रेल कोच फैक्ट्री यानी भारतीय रेल की कोच जो होगी उसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर आप सोच रहे हो कि लाल मार्ग क्या है, तो मैं बता दूं ये आंसर है, क्योंकि मैंने आंसर गलती से ही आपके डिस्प्ले पर ऐड कर दिया था। लेकिन प्रश्न का उत्तर आपके सामने नहीं दिखेगा, इसकी चिंता आप ना करिए, सीधा प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा रहा है ग्लोबल लेबिलिटी इन्फेक्शन 2023 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश को दुनिया भर में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर के रूप में चुना गया है? आपको बताना है। वियना, ये पांच ऑप्शन आपके डिस्प्ले पे है और इसका उत्तर आप दीजिए। इसका उत्तर होगा पहला ही वियना, उत्तर पहला होगा ऑप्शन ए वियना। और इसके सामने आपको बता दें यहाँ पर दुनिया भर के टॉप 5 जो शहर है जो रहने के लिए सबसे अच्छा है उसमें ऑस्ट्रिया एक देश है जो कि पड़ता है हमारे यूरोप के अंदर और उसी का शहर है वियना, और वहाँ जो है दुनिया का सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए। आपको वियना से याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, तो वो भी कमेंट में चाहें तो आप लिख सकते हैं। अंतिम और आखिरी प्रश्न आपके डिस्प्ले पर आज के लिए आपको बताना है, नाविक दिवस जून 2023 में किस दिन को मनाया गया? आपके सामने ये पांच ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक आप चुन सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 जून को नाविक दिवस को मनाया गया है और यह ईसा पूर्व के आसपास पहली बार जो लोग समुद्र की यात्रा को याद दिलाते हैं, तब से लेकर अब तक हम समुद्र की लगातार यात्रा कर रहे हैं और इसीलिए इसे बनाया गया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिहार पुलिस या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमारे और भी सोशल मीडिया हैंडल है, आप वहाँ हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।